तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से कैसे चेक कीजिएगा कि किसी भी गाड़ी का चालान कटा हुआ है कि नहीं, और अगर चालान कटा है तो चालान कब कटा था, और चालान कितने रुपये का कटा है और किस रीज़न से कटा है, ये पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चालान यहाँ पे चेक करने के लिए आपको दो मेथड बताएंगे, तो दोनों मेथड आप ज़रूर देखिएगा। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फर्स्ट मेथड है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एम परिवहन नाम का ऐप इंस्टॉल कर लेना है और फिर ओपन कर लेना है और फिर मोबाइल नंबर इंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाए। इसके बाद आपको बीच वाले ऑप्शन आरसी डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंटर आरसी नंबर यानी कि गाड़ी नंबर, आपको जिस गाड़ी का देखना है चालान आपको वो गाड़ी नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, तो वो गाड़ी का डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा। आ जाने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू चालान का, तो आपको सिंपली व्यू चालान पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपसे उस गाड़ी का लास्ट फोर चेसिस नंबर और लास्ट फोर इंडियन नंबर आपसे मांगा जा रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप किसी भी गाड़ी का पूरा चेसिस नंबर और फिर इंजन नंबर आप कैसे पता करेंगे, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वीडियो देख करके आप किसी भी गाड़ी का चेसिस नंबर इंजन नंबर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंजन नंबर चेसिस नंबर और इंजन नंबर फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस गाड़ी पे यहाँ पे लिखा हुआ नोटिफिकेशन आया, नो चालान से डिटेल फाउंड अगेंस्ट द सर्च आरसी नंबर, यानी कि इस नंबर आरसी नंबर पे इस गाड़ी पे कोई चालान नहीं कटा हुआ है। और अगर यही चालान कटा हुआ होता तो यहाँ पे चालान का डेट, कितने का चालान है वो, और फिर किस रीजन से कटा है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए इस पे कोई चालान नहीं है, हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आपको सेकंड मेथड बताते हैं कि आप सेकंड मेथड से अपने चालान कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है ई चालान। तो सबसे ऊपर में टॉप में आ जाएगा एक साइट ई चालान परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन, ई चालान डिटेल्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन तरह से आप चेक कर सकते हैं किसी भी गाड़ी का चालान। पहला है चालान नंबर, आपको चालान नंबर मिल जाता है, वो चालान नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिलअप करना है और इसके बाद गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेकंड है व्हीकल नंबर से आपको क्या करना है, गाड़ी नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, लास्ट फाइव चेसिस नंबर और लास्ट फाइव इंजन नंबर आपको फिलअप करना है, और इसके बाद ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और तब गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। और थर्ड है डीएल नंबर, यानी कि डीएल नंबर आप यहाँ पे फिलअप करके, ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिलअप करके गेट डिटेल्स पे क्लिक करके आप किसी भी गाड़ी का उस गाड़ी का चालान देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी गाड़ी का चालान कटा हुआ है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं।